हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ ये फिटिंग कुर्ती की जिप लगाना शेयर करेंगे। इनविजिबल जिप कैसे लगाते हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुर्ती की कट कर लिया है और यहाँ हम जिप लगाएंगे। तो इसके लिए हमने कुर्ती की जहाँ हमें साइज लिया है, इस देख सकते हैं, यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। हाफ इंच रखने से ही हो जाता, लेकिन हमने 1 इंच रखा है। तो छोटा पड़ जाए तो बड़ा नहीं कर सकते, अगर बड़ा हो जाए तो छोटा कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ से हम ऊपर की तरफ से हाफ इंच छोड़ के निशान ले रहे हैं। 14 इंच पे एक निशान लगाया, हाफ इंच छोड़ा शोल्डर की स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम 5 इंच पे एक निशान लगाया और जहाँ नीचे 14 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हमने 7 इंच पे एक निशान लगाया और इसी तरह एक लाइन ड्रॉ कर दिया। हमारा जिप यहाँ लगेगा, दोनों तरफ जिप लगेगा, तो दूसरी तरफ भी हमें निशान लगाना है। तो इसको इसी तरह से उल्टा कर देंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देंगे तो ये निशान उसके ऊपर आ जाएगा, तो सेम बराबर आएगा। इसी तरह से हमने इस निशान को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दो पट्टी कट करेंगे। दो पट्टी हमने तकरीबन 3 इंच और 9 इंच दो पट्टी लिया है। कुर्ती को इसी तरह सीधा रखे, राइट साइड पे कुर्ती को रखेंगे और कुर्ती को रख के इस पट्टी को बीच में फोल्ड करके इसी तरह मिडिल मार्क करके जहाँ निशान लगाया था नीचे की तरफ से वहाँ बीजों बीज रख के इसी तरह पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कुर्ती की राइट साइड में पट्टी को लगाना है, अंदर की साइड में नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके जहां निशान लगाया है इसकी साइड किनारी पे हमने दोनों तरफ से स्टिच लगाना है। इसके बीच पे नहीं, इसकी किनारी पे साइड से हमें स्टिच लगाना है, दोनों साइड से हमें स्टिच लगाना है। ध्यान से नीचे की तरफ, नीचे की कपड़ा जो है वो सीधा ही रखे, अच्छे से स्टिच लगाना है ताकि कोई नीचे की कपड़े में कोई झोल ना आए। इसी तरह से दोनों तरफ से दोनों साइड में स्टिच लगा दिया हमने। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके मिडिल में लाइन जो ड्रॉ किया था उसके मिडिल में हम कट करेंगे। कॉर्नर में इसी तरह से हम दो तरफ से छोटे छोटे दो कट्स लगा देंगे। और अब हम इस पट्टी को पलट देंगे, अंदर की तरफ पलट देंगे। तो इसी तरह से अच्छे से प्रेस की मदद से हम सेट कर लेंगे कपड़े को। तो दोनों साइड से हम सेम इसी तरह पट्टी ज्वाइन करके हमने इसी तरह प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम जिप लगाएंगे। तो बहुत ही इजी है ये जिप लगाना, आप ट्राई कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से।
और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपको कैसे लगा। तो इसी तरह हमने एक पिन से जीप को अच्छे से पक्का किया और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। अब हम जीप की स्टिचिंग के लिए हमने इस फिट को चेंज कर देंगे, हम सिंगल फिट लगाएंगे और सिंगल फिट लगा के चेन को स्टिच करेंगे। अच्छे से ध्यान से स्टिच करना है, नीचे की तरफ जिप जहाँ लगाया वहाँ किचके ना। तो इसी तरह से ध्यान से रखे आपको स्टिच लगाना है। देखिए जिप लगाया है हमने, जिप को स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह लगा देनी है। अब हम एक्स्ट्रा जो रह गया है इसको कट कर लेंगे और इस जो पट्टी को हमने लगाया है इसकी किनारे पे हमने जिप की इसी तरह से जिप को लग कर देंगे, उल्टा करके स्टिच लगा के जीप को लग कर देंगे। दोनों साइड पे इसी तरह लग करना है हमें। अब इस तरफ से भी फोल्ड करके इसी तरह से स्टिच लगा देंगे। दोनों किनारे पे हमने स्टिच लगाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हमने लगाया है ये जीप, बहुत ही अच्छे से लग गया है और टाइम भी बहुत ही कम लगा है। तो आप कैसे लगा आप कमेंट में मुझे बताइए। सेम इसी तरह दूसरी साइड की भी स्टिच कर लेंगे हम जीप को, इसी तरह सेम मेथड से हम जीप को लगा देंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मेरा चैन लग गया है, ये देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।